14 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो मैंने एक पत्रकार को लिख के दिया था कि कांग्रेस की इस बार 0 सीट आएंगी। किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट आई थी। पंजाब के चुनाव में मैंने कई सारी भविष्यवाणियां की थी। मैंने कहा था नवजोत सिंह सिद्धू हारेंगे, चन्नी साहब दोनों सीटों से हारेंगे, बादल साहब का पूरा परिवार हारेगा। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। तो क्या इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को करना पड़ेगा हार का सामना? क्या इस बार 27 साल से कब्जा जमाए बैठी भाजपा का किला हिला देगी आम आदमी पार्टी? अरविंद केजरीवाल ने किस आधार पर कही गुजरात में सरकार बनाने की बात? कौन सी ज्योतिष विद्या के आधार पर केजरीवाल चुनाव से पहले ही कर देते हैं चुनाव की भविष्यवाणी? देश के गृह मंत्री अमित शाह को मीडिया में आज की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन अगर अरविंद की गुजरात चुनाव को लेकर की गई भविष्यवाणी सही साबित हुई तो वो दिन दूर नहीं जब केजरीवाल को सियासत का ज्योतिष भी कहा जाने लगेगा। हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि यदि केजरीवाल के इस बयान पर गौर किया जाए तो आप भी यही सोचने को मजबूर हो जाएंगे। के अंदर मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है। 2014 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो मैंने एक पत्रकार को लिख के दिया था कि कांग्रेस की इस बार 0 सीट आएंगी। किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट आई थी। पंजाब के चुनाव में मैंने कई सारी भविष्यवाणियां की थी। मैंने कहा था नवजोत सिंह सिद्धू हारेंगे, चन्नी साहब दोनों सीटों से हारेंगे, बादल साहब का पूरा परिवार हारेगा। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी जरूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। दावे पर गौर करें तो केजरीवाल ने 2014 में एक पत्रकार के सामने बैठकर दिल्ली चुनाव को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल ठीक साबित हुई। वो भी तब जब ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि देश की इतनी बड़ी पार्टी का राजधानी दिल्ली से यूं सफाया हो जाएगा। इतना ही नहीं, 2022 में ही पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भी केजरीवाल ने ठीक इसी तरह का एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल के मंच पर बैठकर ये लिख कर दिया था कि पंजाब में इस बार न सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, बल्कि 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार चन्नी अपनी एक भी सीट नहीं बचा पाएंगे। जबकि केजरीवाल ने लिखा था कि बादल परिवार को भी इस चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। हैरानी की बात तब हुई जब नतीजे ठीक वैसे ही सामने आए जैसे अरविंद केजरीवाल ने चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की थी, और अब एक बार फिर केजरीवाल ने गुजरात इलेक्शन को लेकर भविष्यवाणी कर डाली है। लेकिन केजरीवाल की भविष्यवाणी को समझें उससे पहले गुजरात के भूगोल, इतिहास और समीकरण को समझना जरूरी है। तो पहले आप जानिए कि देश में मॉडल के तौर पर पेश किए जाने वाले गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं, जबकि यहां पिछले 27 सालों भाजपा की ही सरकार चली आ रही है। वोट परसेंटेज कम ज्यादा हुआ हो या फिर सीटें ऊपर नीचे रही हो, मगर किसी न किसी तरीके से भाजपा अपना किला बचाने में कामयाब रही। बीजेपी यहां 1995 से सत्ता में है। इससे पहले भाजपा ने 1990 में जनता दल के साथ मिलकर गुजरात में सरकार बनाई थी, लेकिन ये गठबंधन राम मंदिर आंदोलन के नाम पर टूट गया था। इसके बाद बीजेपी ने 1995 के गुजरात विधानसभा चुनाव में जबरदस्त वापसी की थी, और तभी से गुजरात में एक तरफ से बीजेपी का अपराजय किला बना हुआ है, जबकि उसे सत्ता से बेदखल करने की कांग्रेस की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। मगर इस बार आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में ताकत झोंके हुए और आम आदमी पार्टी संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रचार के दौरान ये बड़ी भविष्यवाणी भी कर डाली है। खैर, उनकी भविष्यवाणी कितनी सही साबित होती है ये तो नतीजे सामने आने पर ही साफ हो सकेगा। मगर आपकी रिपोर्ट को लेकर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज़।